हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स समझेंगे, एक है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और दूसरा है टैलेंट डेवलपमेंट। ये दोनों टॉपिक्स क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 10th के ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स से लिए गए हैं, तो दोनों टॉपिक्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे कोच या जो भी ट्रेनर होते हैं, ठीक, तो वो एथलीट की जो भी टैलेंट है, एथलीट का जो भी टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो कहाँ पर कैसा प्लेयर परफॉर्म कर सकता है, इन सब चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं वो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, इमोशनली कितना फिट है, टेक्निकली कितना फिट है वो प्लेयर, ठीक है, और कल्चरली और स्पिरिचुअली कितना कैसे वो सोचता है, चीज़ों को कैसे समझता है, ये सारी चीज़ें, और उसका जो टैलेंट मेन है वो क्या है और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को समझना है। और जब इन सब चीज़ों को एक कोच, एक ट्रेनर समझता है और उसको आइडेंटिफाई करता है उसका जो भी टैलेंट होता है, ठीक है, प्लेयर का जो भी टैलेंट होता है, तो इसी को हम कहते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। क्या कहते हैं? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। अब जो टैलेंट डेवलपमेंट है इसमें क्या समझना है हमें कि जो टैलेंट डेवलपमेंट है इसका मतलब होता है कि एक एथलीट की ग्रोथ को समझना है, ठीक है, वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसको और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, उसको कौन सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्या हम उसको बेटर टेक्निक्स दे सकते हैं, बेटर ट्रेनिंग दे सकते हैं, इस चीज़ को समझना और उसका टैलेंट को डेवलप करना। जैसे सपोज़ कीजिए एक क्रिकेट मैच में कई सारे प्लेयर्स होते हैं, तो हमें ये समझना है कि उनमें से कौन सा सबसे बेस्ट बॉलर बन सकता है, तो जो बॉलिंग कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, अगर वो बेस्ट, जैसे हमें समझना है कि वो बेस्ट बॉलर है या नहीं है, तो इस चीज़ को समझने के लिए ये देखना होगा कि जो उसका अभी बॉलिंग का करियर चल रहा है कि वो कैसे बॉलिंग कर रहा है, तो उसको समझना होगा, ठीक है। ट्रेनर क्या करते हैं, कोचेस ये करते हैं कि उसको समझते हैं कि उसका जो करियर है, बॉलिंग से रिलेटेड करियर है, वो कैसा चल रहा है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, क्या उसे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए, ठीक, या अगर उस फील्ड में वो आगे जाना चाहता है तो कौन सी चीज़ों की और कौन सी प्रैक्टिस, कौन सी टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो उसको कैसे डेवलप किया जा सके, इसी को कहते हैं टैलेंट डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और टैलेंट डेवलपमेंट। चलिए एक टॉपिक इसमें और कवर कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल क्या होता है, ठीक है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक साइकिल होता है, यानी कि जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ट्रेनिंग होती है वो कई तरीकों में, मतलब कई पीरियड में दी जाती है, ठीक, तो एक तो होती है माइक्रो साइकिल, ठीक है, एक होता है मीसो साइकिल और एक होता है मैक्रो साइकिल। तो जो माइक्रो साइकिल होती है वो लगभग एक हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, ठीक, उसमें जो भी सिखाया जाता है इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्राइब करूँगा, पूरा बताऊँगा मैं और बाद में बताऊँगा इसको। फिर एक होती है मीसो साइकिल जो एक हफ्ते से दो हफ्ते, तीन हफ्ते या कई मंथ्स चल सकती है, और एक होती है मैक्रो साइकिल जो कि कई मंथ्स से कई साल या एक साल भी चल सकती है। तो इस तरीके से ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे कि जो टाइप्स और मेथड्स हैं स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्पीड को डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें ये जानेंगे कि स्ट्रेंथ के कितने टाइप्स होते हैं, एंड्योरेंस के कितने टाइप्स हैं और स्पीड के कितने टाइप्स हैं, और जब हम इनके टाइप्स को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम ये जानेंगे कि हम इन सभी चीज़ों को, यानी कि स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, एंड्योरेंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं और जो हमारी स्पीड होती है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आप लोगों को बताना है कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्पीड ये क्या होता है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये वीडियो पार्ट वन है क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन का, चैप्टर नंबर 10th का, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।